भगवान भाई बहन में झगड़ा लगा कर से देवता हो चली है ये सुन के पहुंच गए। ए घड़ी में सात स्वप्न भरनी के द्वारा ज्योति बाबू
होई छो घटिया इनार पर खबर देने रहेगे बहिन सहोदरा आए पनवरनी गए गे जाए जाए छत जो हमरा बहिन के कुशल मंगल हमर सुना दी सातों सपन भरने भूल बिसर गेले आ सबके सिर पर घैला गिरली चढ़ले रहे आ ज्योति बाबू वो चौघटिया इनार पर जार बेजार काने छे कोयली से जवाब करे छे गे सहुद सपन भरनी का याद ले जे घेला गिरली किया ने हमर सिर से नीचा हो माने वे में जे सुंदर एगो चंचल रहे कहल के ये दीदी घेला गिरली जे अहां के सिर पर से सातो बहिन के नीचा है चौघटिया इनार पर जे कोढ़िया कुशल मंगल सुनने रहे ओकर समाचार कहलिए कहल गई गे बही सहोदरा एक नहीं रहे सुरता भूल बिसर गेलिए एके कारण नहीं कहली कहल के जे कहने रहा जे हमर कुशल मंगल हमर समाचार हमरा सहोदरा के नहीं कहबा तो सिर के घेला सिर पर सात सौ पेन भरनी कर कहल के चल जुलूम भाग जाए बही जुलूम भागलो चल चल दरबर दाकर जल्दी रानी का कह दब तब अपना सबके सिर से घेला से मैया है गए तारा परमा हे गे ये रानिया तो हरे
चौघटिया इनार पर बैस के जार बेजार का नहीं छ रानी। रानी जब सुनल के रानी दोनों तरफ के बात के मिलवे छे जे बात तो सही छे जे धर्मराज गोसा कह के बाबा ओकरा द्वार पर सब पंडा रूप धारण में गेले रह पल भर नहीं भेले जे माने पंडा बाबा जे एले द्वार पर पंडा बाबा सही कहल ऐ समय में रानी जमत कहिया गे सहोदरा हमर भैया एले या बही कल के हा तोहर भैया एल कल के की भेले सात सौ पेन भरनी कल के तोरा भैया का कंचन कया तोड़ के निर्घिन कया के निर्माण के न छ भगवान कथिल कहते धर्मराज केलक आकि कोनो माने यमराज केलक कल के सुंदर कया नहीं छ तोरा भैया का है ऐ संसार में ऐ कंचन कया कत तोड़लक निर्घिन कया निर्माण केलक रानी जय कारण तोर भैया धर्म करे धर्म घर मंदिर में चूकि गला गुरु बाबा बारह बरस के वनवास लिख देने लिखा लगा रानी है तोर भैया बारह बरस के बनस में जा रहला ये है केदली वनवास के आय तोहर भैया तोरा द्वार पे ये तो भेंट मुलाकात करे कल के ठीक है कल के हमरा भैया के एहन दिन माने दुर्दिन भए गेले जे नहीं शरीर रहले आ नहीं किछ रहले अब बारह बरस के लिए भक्ति में जा रहले कल के हा अय अमल में माने सातो सपन भरनी अपना गृह भवन के लौट के गेले आ सबके माने सिर से घेला गिरली जमीन पर रखे रहलई जमीन पर दैवारे तो ये आपे आपे दानी का नाम है आनंद राम है इन दानी के ओर से 51 रुपए का पुरस्कार आए हैं और आपे कल्पना कुमारी इन दानी के ओर से भी 51 रुपए का पुरस्कार आए हैं जो ग्राम रामनगर का निवासी है इन दानी महाराज को मेरे निवाल मंडली की ओर से करोटी करोटी नमन है और इन दानी को दानी के समस्त परिवार को बाबा धर्मराज की ओर से माँ भगवती की ओर से लाख लाख आशीर्वाद है जय हो दानी महाराज की जय हो दानी महाराज की समस्त परिवार की जय हो। चलो ऐ दानी कि मनोरंजन के पूरा करे ले जा रहे छी अपने सबके बीच में सुनियो जे माने आई संसार में ने देवता के फुर्सत छे आने भक्ता के फुर्सत अगर देवता कोई अरदास के डाली के प्रयाद ने ले छे तो देवतों का कलंक छे लेकिन किया ने ले छे ओहू में कमी जे माने डाली फिरियाद किया ने लेल के तो ओकरो कमी है आई भक्ता बाबा का है आई संसार में आई भगवान के सती सेवक के दुनिया में ककरो ने बाबा अभी शांति है तो माता जगत जननी जानकी जी अजार बेजार का नहीं छे कता वे पंचवटी में वे पंचवटी में जे कहने रहले माता जगत जननी लक्ष्मण से जवाब करे छे लक्ष्मण हे लक्ष्मण जरा होश में हमसे बात करो क्योंकि तुम्हारा भाई वनवासी है जब तुम्हारा भाई वनवासी हो गया वन में रहने वाला तपसी बन गया तुम उससे कहे माने कठोर वाणी से विराट कर रहे हो
माता जगत जननी जानकी के कहल के जे लक्ष्मण जाकर के देखो तुम्हारा भाई को वन में ऐसा कौन देव दानव था, जीव जंतु था या कोई शेर सी जो तुम्हारा भाई को मार डाल। लक्ष्मण तस्य सावतार रहे। लक्ष्मण कहल के भाभी माँ जरा शांत हो जाओ, ठहर जाओ, हमारे भाई को मारने वाला बैरी कोई नहीं जन्म ले चुका है। हमारे भाई हेलो, हमारा भैया परसोत्तम राम है। महेंद्र बाबू मुलगन से मझौवा, महेंद्र बाबू मुलगन देख लियो। जय घड़ी में जानकी जी कहे छे लक्ष्मण से, बाबूजी देवता यो लखन जी आए, लखन जी तबर से बोली सीता मैया। श्रोता भगवान विचार करवे जे सीता कान कान के लक्ष्मण से जवाब करे छे केकरा विरोग में, एक भगवान राम के विरोग में। जखन मामा मारीच के बान छोड़ल के राम, जे मामा मारीच भगवान राम के माने कखनो नजदीकी लावे आ कखनो दूरी लावे। कबहु निकट प्रभु कबहु पराई, अठमुख चलहु रघुराई। कबहु निकट प्रभु कबहु पराई, अठमुख प्रभु चलहि पराई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, जान की जी लक्ष्मण से कहल गए। लक्ष्मण आप क्या चाहते हो सारा परिवार के साथ जानकी को शादी करके अयोध्या नगरी ले आया भगवान राम। जब कोहबर घर प्रवेश किए तुम्हारा माता कैंकई महामंदोदरी दरिद्र कठोरनी चंद